वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है दोस्तों। तो हम आ चुके हैं एक नई वीडियो के साथ जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगी। दोस्तों फ्लिपकार्ट का नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आप भी शॉपिंग करते हो फ्लिपकार्ट से, और फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने के साथ साथ अगर आप कुछ अलग से भी अर्निंग कर रहे हो तो दोस्तों ये आपके लिए कितनी अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं उसी ऐप के बारे में आज डिस्कस कर रहा हूँ जिसका नाम है शॉपसी। तो शॉपसी एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आप इंस्टॉल करके आपने कुछ भी आइटम किया फ्लिपकार्ट से बाय करते हो दोस्तों, तो उसमें क्या होगा, आपने क्या होगा, वो ऐप के थ्रू आप बाय करोगे तो आपको वो कैशबैक अलग से भी मिलेगा जो कि इंडियन रुपीज़ के हिसाब से होगा दोस्तों, और साथ के साथ वो आपको इवन डिस्प्ले भी करेगा कि आपका कितना है। तो ये कोई फ्रॉड वाला काम नहीं है, बिल्कुल एक नंबर की प्रॉपर ऐप है, और ये आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगी ईजिली। मैं आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे इसको डाउनलोड करके अपनी एक आईडी जनरेट कर लेना। अपने आईडी बनाने के बाद, यूजर आईडी बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको जो आइटम फ्लिपकार्ट से आप बाय कर रहे हो आपने सिर्फ उसको सर्च करना है। अगर सपोज आपने 1000 रुपीज़ की कोई चीज़ आपने बाय की है तो फ्लिपकार्ट से डायरेक्ट करोगे तो आपका जो कार्ड का डिस्काउंट होगा आपको वही मिलेगा, उसके अलावा कोई भी नहीं मिलेगा। बट अगर इससे इस ऐप के थ्रू अगर आप उसी सेम चीज़ 1000 वाली चीज़ को भी बाय कर रहे हो तो जो उसका जो कार्ड का डिस्काउंट है वो तो मिलेगा, प्लस इसमें जो अलग से एडिशनल डिस्काउंट है वो 20 भी हो सकता है, 25 रुपीज़, 100, 150 कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप क्या बाय कर रहे हो, तो उस पे भी मिलेगा। आप जैसे वो चीज़ को उसमें आप कार्ड पे ऐड करोगे आपके ऊपर वो अमाउंट मेंशन हो जाएगी कि आपको ये इस आइटम पे आपको इतने रुपए का आपको कैशबैक मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों, आप खुद कुछ भी अगर बाय करते हो फ्लिपकार्ट, क्योंकि आजकल ऑनलाइन बहुत ही चीज़ें ऐसे बाय होते हैं। सपोज अगर आपने कोई 30-40 हज़ार 20 हज़ार रुपये का फ़ोन भी बाय किया तो अगर आपको उसी में से 200-300-400-500 अमाउंट जो भी आपको मिलती है अलग से, तो वो आपके लिए वो बेनिफिट होगा, वो आपके लिए अलग से एक सेविंग ही हो सकती है, या बोले तो वो आपके लिए एक डिस्काउंट हो सकता है उस चीज़ का। तो फिलहाल दोस्तों ये एप्लीकेशन यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपके साथ इसी स्क्रीन में आ रहा होगा। हमें क्या करना है, बहुत ही इजी है दोस्तों। ये इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों हमने क्या किया है, एप्लीकेशन को ओपन किया है, इसको नॉर्मल हमने रजिस्टर किया अपने फ़ोन नंबर से। रजिस्टर करने के बाद दोस्तों आप देखोगे इसके ऊपर ना इसके ऊपर सर्च बार का ऑप्शन आ रहा है, तो सर्च बार में जो भी आइटम सर्च करोगे तो ये एक्चुअली क्या फ्लिपकार्ट वालों का ही है दोस्तों, तो आप में घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है, इसमें सब कुछ जेन्युइन है। तो आप इसको कुछ भी बाय करोगे, इसमें आप जो भी आपको कुछ बाय करना है तो आप नॉर्मल इसके ऊपर जो सर्च बार उसमें से सर्च करिएगा और उसको ऐड टू कार्ड करना है। जब आप ऐड टू कार्ड करोगे तो वो जो आपके फ्लिपकार्ट में जो भी आपके एड्रेस हैं, होम डिलीवरी एड्रेस है, वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगे। तो जब उसके बाद आप जब भी इसको ऑर्डर को आप परचेज करोगे तो इसमें होने के बाद, जब सक्सेसफुली ऑर्डर होने के बाद जो वो अमाउंट है वो आपके जो शॉपसी ऐप है इसके जो अकाउंट में है वो आपको रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और आप उसको फिर विड्रॉ भी कर सकते हो। तो उसमें काफ़ी मेनी मोर ऑप्शन हैं दोस्तों इसमें। तो आई होप ये आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों ऐसी मज़ेदार वीडियो मैं लाता रहता हूँ, बहुत सी ऑलराउंडर वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, वो भी बिना किसी पर पेड प्रमोशन के दोस्तों। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों इसको लाइक सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल पे नए हो तो दोस्तों तब भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।